हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम टू द चैनल फर्स्ट टाइम मॉम। आई नो बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रहा है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नाउ ऑनवर्ड्स मैं रेगुलरली इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस डालती रहूंगी, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। एंड आज का टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं बच्चों के लिए जो बेस्ट स्टडी मटेरियल है जो मुझे रिसेंटली मिला है तो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो आप जरूर से देखिए। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड जो बाजू में बेल शेप का बटन दिख रहा है उसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको नए वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों को पढ़ाना इज नॉट एट ऑल इजी एंड उसके ऊपर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छा स्टडी मटेरियल मिलना वो भी एक बहुत ही बड़ा टास्क है। एंड आई एम श्योर कि आप सभी इस बात पे मुझसे अग्री करेंगे। इसीलिए मुझे रिसेंटली एक बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल मिला था, तो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो ये है इंग्लिश वर्क बुक्स फ्रॉम की टू प्रैक्टिस। ये जो सेट है उसमें चार बुक्स हैं। ये है एज 4 to 7 के लिए। सबसे पहले है अल्फाबेट्स, सेकेंड है वोवल्स एंड साउंड्स, थर्ड है ब्लेंड्स 1 एंड फोर्थ वन इज ब्लेंड्स 2। तो ये वर्कबुक है अल्फाबेट्स की। स्टार्ट होता है लेटर रिकॉग्निशन से। उसमें उन्होंने दिया है कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर बड़ा सा कैपिटल लेटर दिया है एंड साथ ही में बच्चे ये स्मॉल लेटर भी साथ ही में सीखते हैं। एंड A4 जितने भी A से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें पिक्चर फॉर्म में बहुत ही अच्छे से दिया है, साथ ही में उनके नेम्स भी दिए हैं। तो ये लेटर रिकॉग्निशन की फर्स्ट शीट है। उसके बाद ये एक्टिविटी है, हेल्प द एंड कलेक्ट ऑल A's बाई एनसर्कलिंग दैम। तो ये पेज पे बच्चों को ढूंढना है कि कैपिटल A एंड स्मॉल A कहाँ है। जैसे कि इधर है तो इधर उसको सर्कल करना है, इधर कैपिटल है तो इधर उसको सर्कल करना है। तो ये लेटर रिकॉग्निशन के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। साथ ही में दूसरी ये एक्टिविटी है जिसमें ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जैसे कि आहाना लाइक्स टू ईट एप्पल, साथ ही में ये पिक्चर भी दिया है। एंड इस सेंटेंस में जहां जहां भी स्मॉल A या कैपिटल A आ रहा है उसके नीचे अंडरलाइन करना है एंड उसके बाद आप इधर कैपिटल A एंड स्मॉल A को ट्रेस कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी भी लेटर रिकॉग्निशन के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी मुझे लगी। एंड ये तीन जो शीट है, जैसे कि इधर कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर दिया हुआ है, साथ ही में A से स्टार्ट होने वाले सभी ऑब्जेक्ट्स हैं एंड देन ये एक्टिविटी है एंड उसके बाजू में ये एक्टिविटी है। ये तीन पेज जो है सेम सभी लेटर्स के लिए दिए हुए हैं। एंड ये लास्ट में है Z के लिए कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर एक्टिविटी एंड अनदर एक्टिविटी। अब जब बच्चे पूरे सभी अल्फाबेट सीख लेते हैं उसके बाद ये एक्टिविटी दी हुई है, सीक्वेंसिंग ऑफ लेटर्स A B C D एंड देन इधर फाइंड आउट करना है कि कौन सा मिसिंग है। जैसे कि इधर E देन F G देन H, तो ये सीक्वेंसिंग ऑफ लेटर्स की अच्छी वर्कशीट दी हुई है। उसके बाद ये भी एक सीक्वेंसिंग ऑफ लेटर्स की अनदर एक्टिविटी है जहाँ पे ए बी सी को ज्वाइन करके पूरा ड्रॉ करना है एंड इधर तक पहुँचना है। सेम वे सीक्वेंसिंग की अनदर एक्टिविटी है। उसके बाद ये वर्कशीट्स है जहाँ पे लेटर टू लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस सिखाते हैं बच्चों को। जैसे कि ये कैपिटल वाई है, उसके साथ हमें ये स्मॉल लेटर को कनेक्ट करना है। तो ये कैपिटल है, ये स्मॉल लेटर है। सेम वे इधर के कैपिटल है, उसको के स्मॉल से कनेक्ट करना है। तो ये एक वर्कशीट है। सेम वे लेटर टू लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस की अनदर एक्टिविटीज है। उसके बाद है ये कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ लेटर टू रियल ऑब्जेक्ट्स। तो ये एक बहुत ही अच्छा कलरफुल पिक्चर दिया हुआ है एंड इधर लिखा है कि लेटर पी से स्टार्ट होने वाले जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर सर्कल करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इधर ये पेस्ट्री पड़ी हुई है तो उसके ऊपर सर्कल किया है, ये पाइनएप्पल है तो उसके ऊपर सर्कल करना है, पैरट के ऊपर सर्कल करना है। तो ये सभी पी से स्टार्ट होने वाली चीजों पर सर्कल करना है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जहां बच्चे ये चीजों को आइडेंटिफाई करके उनका नाम किस लेटर से स्टार्ट होता है ये समझ के फिर उसके ऊपर सर्कल करेंगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। सेम वे कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ लेटर्स की अनदर 1 or 2 एक्टिविटीज दी हुई है। उसके बाद है बिगनिंग साउंड। अब सभी लेटर्स का बिगनिंग साउंड भी सीखना बहुत जरूरी है। तो इधर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी हुई है, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स बिगनिंग विथ A उनको रेड कलर करना है। तो लाइक बच्चे बाय दिस टाइम बच्चों को ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना अच्छे से आता है। तो सपोज ये देख के बच्चे बोलेंगे कि ये है आई, आई तो स्टार्ट होता है ई से, ऑब्जेक्ट बिगिनिंग विथ ई उनको ब्लू कलर करना है। तो जैसे ही बच्चे आइडेंटिफाई करते हैं फिर इनको ब्लू कलर करना है। सेम वे इधर देखिए आप ये लॉग एल से स्टार्ट होने वाली चीजों को येलो कलर करना है तो इधर येलो कलर किया है। तो ये एक
एक्टिविटी है बिगिनिंग साउंड सीखने की, सेम वे इधर भी एक्टिविटी दी हुई है। तो ये बुक में इतनी सारी एक्टिविटीज कवर की है एंड सभी अल्फाबेट्स भी कवर किए हुए हैं, काफी अच्छी वर्कशीट्स हैं एंड लास्ट में उन्होंने दिया है इधर आंसर की। तो अभी अगर आप बच्चों को जब भी इस बुक से सिखा रहे हैं एंड कभी भी आपको डाउट हो आंसर के लिए तो इधर सभी एक्टिविटीज के आंसर दिए हुए हैं। तो दैट्स इट, अल्फाबेट्स बुक में ये सब चीजें कवर की हैं। तो ये था अल्फाबेट्स। तो ये सेकेंड बुक है जिसका नाम है वोवल्स एंड साउंड्स। अभी ये बुक में वोवल्स एंड साउंड्स कवर किया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में उन्होंने इंट्रोडक्शन टू वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स दिया हुआ है। वोवल्स उन्होंने काफी अच्छे से इस बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं व्हेन यू रीड द वोवल्स एंड यू विल नोट दैट योर टंग डज नॉट टच योर लिप्स टीथ एंड रूट ऑफ योर माउथ। काफी अच्छी तरह से उन्होंने पिक्चर फॉर्म में एक्सप्लेन करने की ट्राई की है, बहुत इजी वे में बच्चे समझ सकते हैं ये जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है इस बुक में। और उसके बाद एक एक्टिविटी भी है जहाँ पे हमें जो भी वोवल्स है उसके ऊपर सर्कल करना है, बच्चे मतलब ढूंढ सकते हैं ए ई आई ओ यू, जहां भी उन्हें दिखेगा वहां पे उन्हें सर्कल करना है। जैसे कि इधर है ओ, इस पेज पे वोवल्स एंड नॉन वोवल्स को काफी अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड देन उन्होंने एक्टिविटीज भी दी हुई है, जैसे कि जो भी ऑब्जेक्ट्स स्टार्ट होते हैं वोवल से उसे आपको करना है सर्कल, एंड जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उन्हें यहाँ पे आपको करना है स्क्वायर। सेम वे सभी ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके फिर सर्कल एंड स्क्वायर करना है। सेम वे अनदर एक्टिविटी दी हुई है उन्होंने। देन उन्होंने इस बुक में दिया है वोवल कॉम्बिनेशन विथ ए, तो ए प्लस बी एब जो साउंड आता है उसके रिलेटेड इन्हें इधर वर्ड्स दिए हुए हैं। सेम वे ए प्लस डी एड डेड एड लेडर, तो ए प्लस डी से जो साउंड प्रोड्यूस होता है ये सीखने के लिए ये काफी अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आप देख सकते हैं ए के साथ कई सारे नॉन वोवल्स को उन्होंने कंबाइन करके इधर जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसके रिलेटेड वर्ड्स दिए हुए हैं। वोवल कॉम्बिनेशन खत्म होने के बाद उन्होंने दिया है वोवल साउंड्स। अभी ये वोवल साउंड में छोटी छोटी बातें मेंशन की हुई है लेकिन वो काफी हेल्पफुल है, मतलब जब आप बिगिनिंग कर रहे हो कुछ चीजें सीखने के लिए तो ये सब फंडा क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए की बात की जा रही है तो आई हैव फोर साउंड्स, मतलब ए बोल रहा है आई हैव फोर साउंड्स, कौन कौन से हैं, शॉर्ट ए लॉन्ग ए देन आ एंड ओ। तो ये पेज काफी इंफॉर्मेटिव है एंड पूरा उनका मतलब जो रीड करने का प्रोनाउंस करने का जो बेसिक है वो इधर काफी सारा क्लियर हो जाता है। देन शॉर्ट इधर जो बात की कि शॉर्ट ए लॉन्ग ए, तो शॉर्ट ए के साउंड वाले सभी वर्ड्स दिए हुए हैं इधर, फिर लॉन्ग ए साउंड वाले सभी वर्ड्स दिए हुए हैं एंड देन इधर उसके रिलेटेड वर्कशीट्स दी हुई है। तो सभी वोवल्स उन्होंने कवर किए हुए हैं, उनके साउंड्स कैसे हैं एंड उसके रिलेटेड वर्कशीट्स दी हुई है। वोवल साउंड्स खत्म होने के बाद कॉन्सोनेंट साउंड्स दिए हुए हैं एंड उसमें भी जो उनका जो साउंड है सभी कॉन्सोनेंट्स का उसके रिलेटेड भी काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन इधर दी हुई है। अब इधर देख सकते हैं लेटर जी हैज टू साउंड्स, राइट। अभी जी को हम कभी ग साउंड करते हैं कभी ज साउंड करते हैं, तो कब ग साउंड होता है कभी कब ज साउंड होता है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा नोट दिया हुआ है। जैसे कि व्हेन जी इज फॉलोड बाय ई आई और वाई इट इज प्रोनाउंस्ड एज जे, राइट। सो इधर आप देख सकते हैं केज, केज में ए के बाद जी आ रहा है एंड उसके बाद ई आ रहा है, राइट। तो जी इज फॉलोड बाय ई, मतलब इधर हमें जी को प्रोनाउंस करना है और जी का साउंड रहेगा ज, केज। इधर जी के बाद ई आ रहा है तो इधर भी जी साउंड करेगा ज, लार्ज। तो ये एक बहुत ही अच्छी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि काफी जरूरी है। तो ऐसे ही सभी कॉन्सोनेंट्स के लिए उन्होंने इधर इस बुक में ये सभी नोट्स हैं एंड देन उसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड्स के रिलेटेड सभी वर्कशीट्स दी हुई है। कॉन्सोनेंट साउंड्स खत्म होने के बाद जैसे कि आपने पहली बुक में भी देखा लास्ट में सभी वर्कशीट्स के आंसर दिए हुए हैं, तो कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तब अच्छे से इधर आंसर्स देख सकते हैं एंड बच्चों को उसमें से सिखा सकते हैं। तो ये थी बुक वोवल्स एंड साउंड्स की एंड ये बुक है ब्लेंड्स वन।
अभी जो बेस था अल्फाबेट्स एंड वोवेल्स एंड साउंड्स, ये दोनों सीखने के बाद ये बुक आप बच्चों को सिखा सकते हैं। ब्लेंड्स वन में क्या क्या कौन सा चीजें कवर की हुई है आपको दिखाती हूँ अंदर, ये डिटेल में कैसे उन्होंने कवर किया हुआ है। तो देखिए इधर दिया हुआ है कॉन्सोनेंट प्लस अनदर कॉन्सोनेंट, तो जो कंबाइंड साउंड आता है उसके रिलेटेड इधर उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं इस बुक में, जैसे कि एस प्लस एल स्ल, स्ल साउंड होता है तो उसके रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं जैसे कि स्लीप स्लो, तो इसका जो साउंड है स्ल वो इधर कवर होता है स्लीप स्लो। सेम वे पी एल प्ल प्लांट प्ले, तो ये सभी कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, सभी ब्लेंड्स दिए हुए हैं, सभी ब्लेंड्स की एक्टिविटीज दी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये बुक कितनी उन्होंने कलरफुली डिजाइन की है एंड इतनी अट्रैक्टिव है कि बच्चों को करने में भी मजा आएगा एंड सभी एक्टिविटीज काफी एंगेजिंग है। देख सकते हैं आप बहुत सारे कलरफुल पिक्चर्स के साथ सभी एक्टिविटीज एंड वर्कशीट्स दी हुई है ये बुक में, सभी ब्लेंड्स कवर किए हुए हैं उन्होंने। आप देख सकते हैं ये पूरा बुक सभी ब्लेंड्स को कवर करता है, उसके रिलेटेड साउंड्स को कवर करता है एंड काफी कलरफुल पिक्चर्स के साथ पूरी बुक डिजाइन की गई है। एंड लास्ट में जैसे कि आपने दूसरी बुक्स में भी देखा आंसर शीट दी है, मतलब सभी एक्टिविटीज एंड वर्कशीट के आंसर्स इधर आपको मिल जाएंगे। एंड लास्ट में ये रफ शीट दिया हुआ है। तो ये था ब्लेंड्स वन, अब आपको दिखाती हूँ ब्लेंड्स टू। तो ये लास्ट बुक है ब्लेंड्स टू। ब्लेंड्स वन खत्म होने के बाद इधर इस बुक में कवर किया गया है कॉम्बिनेशंस विद सिमिलर साउंड, राइट। तो ये सभी सिमिलर साउंड्स के कॉम्बिनेशन जो भी है वो इस बुक में कवर किए गए हैं एंड सेम वे में काफी इंटरेस्टिंग वर्कशीट्स हैं ये साउंड सीखने के लिए। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल बुक है, कितना एंगेजिंग एंड अट्रैक्टिव है। एंड सेम वे लास्ट में उनका जो आंसर शीट है वो दिया है। तो ऐसे ही ये ब्लेंड्स टू में ये सभी चीजें कवर है एंड इस बुक के ऑथर है वो बोलते हैं कि इफ यू कंप्लीट 4 वर्कबुक्स इन 12 मंथ्स इट्स आउटस्टैंडिंग, इफ यू कंप्लीट 3 वर्कबुक्स इन 12 मंथ्स इट्स वेरी गुड एंड इफ यू कंप्लीट 0 to 2 वर्कबुक्स इन 12 मंथ्स दैट्स ओके। आई मीन लाइक ओके, नॉट गुड, नॉट वेरी गुड, बट दे रेकमेंड कि आपको आप 4 बुक्स कवर करते हैं तो दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू विथ योर किड्स। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं आपके बच्चों को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश रीडिंग सिखाने की, तो मेरे ख्याल से मुझे ये जो पूरा इंग्लिश वर्कबुक का जो सेट है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब अगर ये 4 बुक अगर हम एक साल में ख़त्म करते हैं 1 by 1 तो आई एम श्योर कि बच्चों का जो इंग्लिश रीडिंग का या इंग्लिश सीखने का जो बेस है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो कैसी लगी वर्कबुक्स, आई होप कि आपको पसंद आई होगी एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा कि आपको कैसी लगी। ये तो थी इंग्लिश वर्कबुक्स, लेकिन आपको और भी सब्जेक्ट्स की वर्कबुक्स देखना है तो आप की टू प्रैक्टिस की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। उनके पास प्री प्राइमरी से लेके ग्रेड 5-6 तक सभी ग्रेड के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्कबुक्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, इवन आर्ट्स। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और उसके रिलेटेड जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन या क्वेरी है, जैसे कि बच्चों की स्टडी रिलेटेड क्वेरीज है या होम स्कूलिंग रिलेटेड क्वेरीज है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से डालिएगा, मैं उन्हें आंसर करने का बिल्कुल ट्राई करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।